हेलो फ्रेंड्स, ठंड में हमारे सारे परमानेंट प्लांट जैसे गुड़हल, मोगरा, अपराजिता और कड़ी पत्ता के पौधे डोरमेंसी पीरियड में रहते हैं, यानी हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही रुक जाती है। बसंत ऋतु के बाद हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अच्छी ग्रोथ लेने के लिए और पौधे को हरा भरा रखने के लिए पौधे में हमें समय समय पर कुछ काम करने होते हैं। इन कामों में जैसे पौधे की प्रूनिंग करना और पौधे में समय समय पर खाद देना, जिससे पौधे हमारे हरे भरे रहते हैं। इसके अलावा समय समय पर पत्तियों को चेक करने से पीले पड़ रहे पत्तियों को हटाते रहें, और यदि पत्तियों पर कीड़े का अटैक है तो इसमें पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करें। पेस्टिसाइड में 1 लीटर पानी में 5 ml नीम ऑयल डालकर इसका छिड़काव कर सकते हैं। कड़ी पत्ता के पौधे को जब भी तोड़ें, डंठल सहित तोड़ें, जिससे पौधे में जब ग्रोथ होगी तो नोड पॉइंट से इसकी नई नई ब्रांचेस निकलेंगे। कड़ी पत्ता के पौधे में यदि फूल बन गए हैं तो उसे हटा दें, क्योंकि वह सारी एनर्जी पौधे की ले लेता है और पत्तियाँ कम बनती हैं। फरवरी मंथ प्रूनिंग के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। कड़ी पत्ता के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, या तो हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, या इस पौधे की ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। यह मौसम बहुत ही अच्छा होता है इन कामों के लिए। पौधे हमारे खराब नहीं होते हैं और बहुत जल्दी ग्रोथ करने लगते हैं। खाद डालने से पहले गमले की गुड़ाई कर लें। इन 5 चीज़ों को मिलाकर यदि आप कड़ी पत्ता के गमले में डाल देते हैं, तो चलिए जानते हैं यह 5 चीज़ कौन से हैं। इसके लिए 2 मुट्ठी मैंने यूज़ की हुई चाय की पत्तियाँ ली हैं, और 2 मुट्ठी काउ डंग मैन्योर, और 2 मुट्ठी कोकोपीट लें। कोकोपीट लेने से पौधे की जड़ें काफ़ी विकसित होती हैं। यदि आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट भी ले सकते हैं। पत्तेदार पौधे के लिए किचन वेस्ट कंपोस्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा 5 ग्राम के करीब सरसों खली के एक टुकड़ा लें। इस टुकड़ा का इस्तेमाल यूं ही ना करें, इसे पानी में भिंगो कर पूरी रात छोड़ दें। भिंगो कर डालने से पौधे जल्दी न्यूट्रिशंस ले पाते हैं। सरसों की खली में नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस के अलावा माइक्रो न्यूट्रिशंस बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा 1 चम्मच हल्दी का इस्तेमाल करें। कई बार पौधे की जड़ों में फंगस लग जाते हैं, इससे भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जिन पौधे में फूल नहीं होते हैं उन पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। काऊ डंग मैन्योर और चाय पत्ती के इस्तेमाल से पौधे को नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा मिलती है, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत जल्दी देखने को मिलती है। इन 4 खाद को मिलाकर अच्छी तरीके से गमले में फैलाकर मिट्टी में मिला दें। घर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक खाद से ही हमारे पौधे बहुत ही हरे भरे रहते हैं। जनवरी के महीने में मैंने दूसरे कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग की थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। 1 महीने के अंदर ही इस कटिंग में नई नई ग्रोथ देखने को मिल रही है। कड़ी पत्ते के पौधे को कटिंग से भी लगाया जा सकता है। यह मौसम बहुत ही बेस्ट होता है कटिंग लगाने के लिए। ट्री से भी कड़ी पत्ते के पौधे लगाए जाते हैं। ट्री से लगाना चाहते हैं तो गर्मी के महीने में लगाएं। बहुत आसानी से बीज से कड़ी पत्ते के पौधे तैयार हो जाते हैं। 5वां खाद है सरसों की खली, जो हमने भिंगो कर रखा था। यदि आप 1 गिलास पानी में इसे भिंगो कर रखते हैं तो 10 गिलास पानी इसमें मिलाकर अपने पौधे की जड़ों में डालें। पौधे को डोरमेंसी पीरियड से निकलने के लिए अच्छी वाली फर्टिलाइजर बनाकर देंगे तो पौधे बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे। कड़ी पत्ता के गमले की मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए। कड़ी पत्ता के पौधे को 6 से 8 घंटा धूप में रखें, उससे ही पौधे हरे भरे रहते हैं। ठंड में कड़ी पत्ते के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग जरूर करनी चाहिए। इससे पौधे काफ़ी बूसी बनते हैं, नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और उसमें ढेर सारी पत्तियाँ बनती हैं।
गमले की मिट्टी में पानी दूसरी बार तभी दे जब 1 से 1.5 इंच मिट्टी थोड़ी सूख जाए। ज्यादा पानी देने से भी पौधे खराब होते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो कड़ी पत्ता का पौधा बहुत ही हेल्दी रहता है और ढेर सारी पत्तियां हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।